सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में ड्राइविंग लाइसेंस में संभावित बदलाव संबंधी सवाल आया, जिस पर केंद्र की ओर से जो जवाब दिया गया उससे चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पर यह सवाल आया कि क्या LMV या लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला शख्स 7,500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन को चला सकता है, और वो भी तब जब वो वाहन लोडेड ना हो। इस सवाल के जवाब में सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ को अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने एक नोट पेश किया। इस नोट के मिलने के बाद बेंच ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। अब 5 जजों की संविधान पीठ को अटॉर्नी जनरल की ओर से जो नोट सौंपा गया उसमें कही गई बातें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस नोट में ऐसे संकेत हैं कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दिए गए सुझावों में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन के प्रस्ताव मिले हैं। नोट में बताया गया है कि इस प्रस्ताव को देश में जल्दी ही होने जा रहे आम चुनाव के बाद नवगठित संसद में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। इसके बाद ही इस संबंध में किसी नतीजे तक पहुंचा जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो संशोधन पर विचार भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पर कहा कि मंत्रालय ने अपने 15 अप्रैल 2024 के पत्र के जरिए से कानून में प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा रिकॉर्ड पर रखा है। इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे। संविधान पीठ ने कहा था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का रुख जानना आवश्यक होगा, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मुकुंद देवांगन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था और उस समय नियमों में संशोधन किए थे। मुकुंद देवांगन मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ ने माना था कि ऐसे व्हीकल जिनका वजन 7,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है उन्हें LMV या लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी से बाहर नहीं रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।